सिमरन बाईदाया तिलाशा भी न चाया मजबूर हो गया कि बेजहरा भी न चाया ये थे जनाब दानियाल साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज से हम सबको गमगीन कर दिया और बिना किसी तअख़ीर के हम गुजारिश करेंगे मौलाना सैयद अब्बास आबदी साहब क़िबला से कि वो मिंबर पे तशरीफ लाए और मजलिस को खिताब फरमाएं बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु के लिए और बेहतरीन
अल्लाह की जानिब से इनाम पाने के लिए एक जानदार सलवात पढ़ दें मोहम्मद हज़रत ग्रामी अल्लाह सुब्हान तआला का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें तौफीक दी कि हम फर्श आज़ा पर आए और कुर्सा पेश करने की सआदत हासिल करें। सआदत की बात है, यकीनन सआदत की बात है। इस फर्श पर हर किसी को आने की तौफीक नहीं होती, मजलिस में शिरकत करने के लिए अल्लाह की तरफ से खास तौफीक हासिल होगी और कुछ नूरानी हस्तियां दावत देंगी, इजाजत मिलेगी, तब जाके वो बंदा अपने घर से निकल करके मजलिस में आता है। वरना इस वक्त फ्राइडे नाइट लोग कहाँ कहाँ गए हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, गफलत और नहायत ही बेहुदा कामों में डूबे हुए हैं और आप बेहतरीन इबादत के लिए फर्श आज़ा पर तशरीफ लाए। आप कभी भी ये ना समझें कि आप खुद से आए हैं, आपको बुलाया गया है तो आप आए, खास इंतजाम हुआ है तो आप आए। मिसाल हमारी सआदत है कि आपके दरमियान है और आज से लगातार इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू 10 मजलिसों में एक खास मौजू के तहत है और वो मौजू है इंसानी कदरें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत। कि आप ही ने इंसानी कदरों को यानी ह्यूमन वैल्यूज को जिंदा किया। क्या वैल्यूज को भी मौत आती है? जी हाँ, कदरें भी दब तोड़ जाती हैं। चुनांचे अगर अतराफ में हम देखें तो बहुत सारी इंसानी कदरें ह्यूमन वैल्यूज दब तोड़ रही हैं, मर चुकी हैं। मसलन कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं कि हम जाके देखें तो लगता है कि हया उस सोसाइटी में मर चुकी है। कुछ इलाके में जाए तो आप देखेंगे कि गैरत मर चुकी है। कुछ जगहों पर जाके देखें तो हक परस्ती मौजूद ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। और जरा जाके हालात का जायजा ले तो हमें अंदाजा होगा कि कुछ जगहों पर इज्जत और जिल्लत का मेयार ही खत्म हो चुका है। इज्जत और जिल्लत को उन्होंने दौलत के साथ या ओहदे के साथ या शोहरत के साथ समझ लिया है, जबकि ना इज्जत दौलत से है, ना शोहरत से है और ना ओहदे से है। वैल्यूज इंसान की मर चुकी है। एक वक्त ऐसा था कि सरकार दो आलम ने अपनी मेहनतों से और आपसे पहले 1,24,000 अंबिया ने अपनी मेहनतों से इंसानी कदरों को जिंदगी बख्शी थी, जिलाया था। जैसे अरबों में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, हुजूर ने इस सिस्टम को चेंज किया, इंसानी कदरों को फिर से जिंदा किया, मोहब्बतों को फिर से जिला लिया। मगर हुजूर की रहलत के बाद से लेके करबला तक कोई बहुत बड़ी सदी नहीं गुजरी है, आधी सदी से भी कम का अरसा है। और ऐसे में गदीर से इनहराफ ने उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंसानी कदरों को भी मार डाला। तवज्जो कीजिएगा, गदीर से इनहराफ का मतलब यह हुआ कि इंसानी कदरों से इनहराफ शुरू हो गया। गदीर से इनहराफ का मतलब यह हुआ कि असल मंजिल उनकी खो गई और वो मुसलसल अंधेरे में भटकने लगे।
सकीफा से अंधेरा शुरू हुआ, करबला तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी इंसानी कदरों को मार दिया गया, इंसानी कदरें तब्दील हो गए। अजीब हालत हो गई कि जो भी इख्तदार पर आ जाए वो मोहतरम हो गया, वो इताअत के काबिल हो गया और उम्मत मजबूरी में भी उसकी इताअत को वाजिब समझने लगी। हद यह है कि अगर कोई तख्त पर आ जाए, किसी भी जरिए से आ जाए, वो हो गया बरहक, और अगर किसी को कुर्सी नहीं मिली तो वो हो गया नाहक, बातिल, गलत। सही और गलत का मियाद भी बदल गया। सही क्या? सही वो जो तख्त वाले बोले, सही वो जो हुकूमत वाले बोले। गलत क्या? वो जो हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले, जो हुकूमत के खिलाफ है वो गलत है, जो हुकूमत के साथ है वो सही है, जो पावर के साथ है वो सही है और जो पावर के खिलाफ है वो गलत है। सही और गलत का भी मियाद कहिए बदल दिया गया। इंसानी कदरों को मौत आ रही थी और वो इंसानी कदरें अपना दम तोड़ रही थी, ऐसे में किसी की जरूरत पड़े और वो जो आने वाला इंसानी कदरों को जिंदगी देने वाला खाली तकरीरों से काम नहीं चला रहा है, खाली खुतबात के जरिए से मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपना भी और अपने पूरे घर वालों का भी खून बहाने के लिए तैयार हुआ है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ है कि एक मरतबा फिर से इंसानी कदरों को जिंदगी हम देना चाहे तो खून हमें बहाना होगा और अपनी कुर्बानियों के जरिए से इंसानी कदरों को ऐसे जिलाए कि उस कदरों का हाल जब जिंदगी में आ जाए तो कयामत तक के लिए उन्हें कोई मार न सके। वो जो कदरों की जिंदगी एक दिन आशूरा के जरिए से हासिल हुई है उसको बार बार दोहराने की जरूरत है। यही वजह है कि हम बार बार मुहर्रम में हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। अगर आपसे पूछे कि आप 1400 साल के बाद भी एक तारीखी वाक्य को क्यों दोहराते हैं तो आप जवाब में कहेंगे कि ये तारीखी वाकया नहीं है, आशूरा कोई तारीख का बाब नहीं है, आशूरा एक ऐसा निजाम हकीकी है कि अगर आपको सही मानों में इंसान बनना है तो आशूरा की तरफ तवज्जो देनी होगी, अगर आपको अखलाक का जेवर पहनना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आना होगा, अगर इंसानियत चाहिए है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आना होगा, इसलिए कि हुसैन ही है कि जो हर मरहले में हर अंधेरे में रहने वाले को रोशनी दे सकता है। उस अजीम कुर्बानी को दोहराने की जरूरत इसीलिए होती है। आज मौजू जो हमारा है उस टॉपिक की थोड़ी सी हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो हाइलाइट्स हैं इस पर अगर आपकी तवज्जो होगी तो आपकी दिलचस्पी में इजाफा होगा और हर दिन आप बेचैनी के साथ इसका इंतजार करेंगे कि कब अगली मजलिस होगी कि हम अगली बातों को सुन सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बहुत हम कोशिश करेंगे कि बहस इल्मी जो है उसको बिल्कुल सादा लफ्जों में बयान करें ताकि हमारे जो जवान हैं वो भी और हमारे जो बच्चे हैं वो भी समझ सकें, और ख्वातीन अगर आपस में बात करना बंद कर दें और तवज्जो देना शुरू कर दें तो वो भी यहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर कुछ हासिल करके ही जाएगी, कोई भी यहाँ से दिल बहरा नहीं जाएगा, कोई भी महरूम नहीं होगा। एक सलावत पढ़ने मोहम्मद आले मोहम्मद पढ़ें, ये होता है कि हर किसी के ऊपर
नींद सवार होती है और नींद का पहला काम अटैक करना होता है कानों पर कि सुनना नहीं है, और हमारा पूरा जोर होता है कि कानों को खोले और उन्हें सुना है। तो हमारी और नींद की जो है एक जंग चल रही होती है, ठीक है। और अब जब इस टाइम पर कोई आ गया है, उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, तो फिर नींद तो आएगी। एक जगह पे हम नौकरी कर रहे थे, एक साहब आराम से सो रहे थे, तो बाद में हमने कहा हुजूर आप काफी माशाल्लाह सो रहे थे, तो कहा क्या करें, सोना जो है वो हमें नसीब ही होता है तो दो जगह पर नसीब होता है। आप खुद कहते हैं कि सुकून जो है या नमाज में मिलता है या मजलिस में मिलता है, तो जब सुकून मिलता है तो नींद ही तो आती है, इसलिए हम सो जाते हैं। तो हमने उन्हें बताया था कि नहीं, नमाज में भी सोना हराम है, मजलिस में भी सोना मुनासिब नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जो सोना है मजलिस में और नमाज में वो गफलत के लिए है, ना कि सुकून के लिए है। इससे सुकून नहीं मिलता, बल्कि ये गफलत की अलामत होती है, और आप बहुत सारी चीजें खो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। नमाज में सो जाएंगे तो पहले ही मरहले में वजू टूट जाता है, वजू टूटने के साथ ही आप नमाज से निकल जाते हैं बाहर, आपको नमाज फौरन छोड़ देनी पड़ेगी। जैसे ही आपका वजू टूटा आप फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर रुकी की हालत में टूट गया तो उन्हों की हालत में आप नमाज को छोड़ दें, तस्लीम आप नहीं कह सकते कि चलो कंप्लीट कर लेते, नहीं, वजू नहीं रह गया है तो आपकी नमाज कंटिन्यू नहीं हो सकती। आप खड़े खड़े आपका वजू टूट गया, आपको खड़े खड़े नमाज छोड़नी पड़ेगी। सजदे में वजू टूट गया, सजदे ही में नमाज को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके बाद वो इबादत इबादत नहीं है कि जो गफलत के साथ बगैर वजू के साथ। जैसे इबादत इबादत नहीं है, वैसे मजलिस भी मजलिस नहीं है जिसमें कोई सोता रहे, सलावत पढ़े मोहम्मद व आल साथियों को भी जगाए, और जगाने का बेहतरीन नुस्खा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना है। तो वापस आते हैं, मकसद क्या है हमारा, मौजू क्या है हमारा, टॉपिक हमारी क्या है, मजलिसों में टॉपिक क्या है, इंसानी कदरें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वो अजीम मिशन है, उस अजीम तहरीक में, उस मूवमेंट में इंसानी कदरों को जिंदगी अता हुई है। इंसानी जो कदरें हैं जिनको हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, उनको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिंदगी अता की है, और इसीलिए हमें बार बार हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है, क्योंकि हमें बार बार ह्यूमन वैल्यूज को समझना है। अगर ह्यूमन वैल्यूज से ह्यूमन बीइंग्स जुदा हो गए तो उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता। बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि वो तो जानवर जैसे ही नहीं, उलाएगा कल अनाम जानवर जैसे बल हुमतर, बल्कि जानवरों से भी बदतर। अजीब, जी हाँ, एक इंसान सुअर से बदतर हो सकता है, कुत्ते से बदतर हो सकता है, भेड़िए से बदतर हो सकता है, सांप और बिच्छू से बदतर हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर ह्यूमन वैल्यूज खो दे ना, तो ह्यूमन बीइंग कहलाने के लिए तो है, मगर वो जानवरों से भी बदतर है। और अगर ह्यूमन वैल्यूज को अपने पास जिंदा रखे तो जानवर क्या चीज है, मलाइका से भी अफजल हो जाता है, फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है, फरिश्तों से भी अफजल। जी हाँ, फरिश्ते आपकी नौकरी करने को एहसास समझे, फरिश्ते आपकी खिदमत को अपना शरफ समझे। क्यों? इसलिए कि आप इंसानी कदरों के साथ हैं, आप ह्यूमन वैल्यूज के साथ हैं, और ह्यूमन वैल्यूज के साथ होने की वजह से आपका मकाम फरिश्तों से भी अफजल होता है।
जिस आय करीमा को हमने सना में कलाम करार दिया है वो इन्हीं आंखों का तो कमाजी करता है। आय करीमा की तरफ तवज्जो कीजिए। सूरह इसरा जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है उसकी आयत नंबर 70 है, 70 वर्स 70 जिसमें अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमाता है वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम यानी आदम की औलाद यानी इंसान यानी ह्यूमन बीइंग यानी मैनकाइंड, हमने इंसान को औलाद आदम को बनी आदम को करामत से नवाजा है, बुजुर्गी अदा की तकरीम से सरफराज करना है। अल्लाह फरमाता हमने उन्हें बुजुर्गी अदा की और फिर हमने उन्हें इंसान जमीन खुशकी और दरिया दोनों में तस्खीर पता की है कि वो सवार कंट्रोल करें, जमीन पर चलते फिरे। अब तो हवाओं में इंसान होता है, हवाओं में भी उसका जबरदस्त कमांड हासिल हो गया है, अल्लाह ने अदा किया। फिर आगे फरमाते हैं रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात और फिर हमने उनको रोजी अदा की है पाकीज़ा चीजों से, प्योरिफाइड सस्टेनेंस उन्हें अदा की, पाक व पाकीज़ा रोजी अदा की। फिर क्या किया, वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला और बाकी तमाम मखलूकात से फर उसको फजीलत अदा की, इंसान को बाकी तमाम मखलूकात से अफजल करार दिया, फजीलत दी है जैसे कि फजीलत देने का हक हासिल है। अब यहां इंसान की बात हो रही है, मुसलमान की या मोमिन की बात नहीं हो रही, तवज्जो है किसी की तवज्जो खत्म हो गई हो तो मुझे बता दें। पूरी तवज्जो, इंसान की बात हो रही है मुसलमान या मोमिन की बात नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा बल्कि अपने दरमियान इंप्रेस भी हम हो जाते कभी कभी ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की बातों में आकर कि जो कहते हैं भाई असल में इंसानियत है वह सब बात की चीज है, दी बात में है, मजहब बात की बात है, असल में इंसानियत है, इंसान अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंसान होगा तो काफी है, मुसलमान होने की क्या जरूरत है, मोमिन होने की क्या जरूरत है। अक्सर ऐसा हो सकता है सुनते हैं कि नहीं सुनते आप, अच्छा इंसान होना जरूरी है ना, अच्छा इंसान उनकी निगाह में क्या है, दो पैसे कहीं दान दे दे खैरात कर दे अच्छा इंसान, किसी की मदद कर दे किसी के काम आ जाए वो अच्छा इंसान है, बाकी कोई चीज देखी नहीं जाती। हम ये कह रहे हैं इस आयत करीमा के जरिए से अल्लाह सुब्हान तआला ने यह फरमाया है कि अच्छा इंसान वही है जो इंसानी कदरों को अपने साथ रखे और इंसानी कदरों में टॉप लिस्ट पर जो कदर है